Hi, I am Kushal Tandon and you are watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more information from Barsatein. क्या हो गया? ऐसे दूर दूर चलोगी तो क्या दूरियां बन जाएंगी? दूरी बनाए रखनी जरूरी है रेयांश। हो सकता है मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो जो तुम्हें बार बार समझाना पड़ रहा है फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ना, टैक्सी भी यही चाहती है तुम मेरे साथ रहो, हम मौसम भी यही चाहता है तुम मेरे पास रहो, बस तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है। वो बिल्कुल नहीं मिलेगी यार, बंदा कोशिश तो कर सकता है। उम्मीद मुझे ना उम्मीद करना बहुत अच्छे से आता है। ओके रेयांश, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छाता दो मुझे। अगर तुम्हें नहीं पकड़ना ना छाता तो मुझे दे दो, मैं पकड़ लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज रेयांश, मैं भीग नहीं सकती, मुझे नहीं भीगना। मंजूरी है ना? क्यों ये हमारा मौसम है? रेयांश, कहाँ खो गए हो? कौन से सपने देख रहे हो खड़े खड़े? What? बोलोगे कुछ रेयांश? चले। तुम ना बस सपने में ही रोमांटिक लगती हो, ऐसे नहीं। हाँ? या हेलो। ओह वेरी गुड। एक काम करो, हम तुम्हारे होटल के बस आसपास ही हैं, गाड़ी वहीं ले आओ। या गाड़ी ठीक हो गई। थैंक गॉड। चलो। आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? These samosas are fried, not air fried. और पता नहीं किसी छोटे से दुकान से लाए होंगे, हम नहीं खा सकते ये सब, समझो। अरे वो एक्चुअली क्या है कि दिल्ली से है ना, तो थोड़ा मैं ललचा गया था। But you are right. Considering my health, I should have खिचड़ी। भाई साहब, ये दिल्ली के फेमस समोसे हैं। पर नीता जी सही कह रही है, आपकी हेल्थ देखते हुए आपको नहीं खाने चाहिए फिलहाल। कोई नहीं, हम खिचड़ी बना देंगे आकाश जी के लिए। बाहर के बारिश आ रही है, ऐसे लगता है तूफान आने वाला है। अरे आज तो पूरा दिल्ली डूबेगा। भाई तो मैं वैसे भाभी अब तक आई नहीं। ओ, 10 बज गई है। अब तक तो मीटिंग ओवर हो गई होगी, राइट? वो नोएडा गई थी किसी मीटिंग से। बारिश है, कंजेशन है, बस आती होगी। हाँ, हमारी कमाऊ बहू है, अभी एक ही तो कमाऊ मेंबर है ना हमारे घर पे, तो फिर उसकी बात तो सुननी पड़ेगी, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। और ऊपर से उसका बॉस तो रेयांश है, वो तो उसे ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं। हम क्या ये बातें समझते नहीं है? क्यों भक्ति जी? शी इज अ वर्किंग वुमन, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट आई एम श्योर शी विल कम बैक ऑन टाइम। जल्दी चलाओगे? अरे यार, बारिश हुई है, गाड़ी स्किड मार जाएगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पति के लिए कौन कमाएगा? शट अप रेयांश, तुमसे नहीं हो रहा ना, तुम मुझे दे दो गाड़ी, मैं चला देती हूँ। अरे रहने दो भाई, इतना गुस्सा मत करो। ठीक है, तुम रेंगते हुए चलाओ, लेकिन मुझे उतार दो प्लीज। ओके, आर यू रेडी? उतार रहे हो? 3, 2, 1। भाभी इज राइट, हम काम पे नहीं जा सकते केस की वजह से, बट भाभी तो जा सकती हैं। रेयांश मेरा नया बॉस है, उसने मुझे ट्रिक किया। रेयांश भी हमारे साथ है। उसका बॉस तो रेयांश है, वो तो उसे ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, मैं बताती हूँ। जय। हाँ माँ। आई होप तो इस सब में खुद को बर्बाद नहीं करेगा। मैं तेरी माँ हूँ जय। मैं जानती हूँ तेरी गलती हो ना हो, तुझे खुद को ब्लेम करने की आदत है। तो क्या गलत करता हूँ माँ? देखिए ना, सारी उम्र लगाकर डैड ने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस सिखाया, और मैंने एक पल में सब खत्म कर दिया। तूने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है ना उस लड़की ने किया है। तो मान ना मान, अगर वो लड़की तेरी लाइफ में नहीं होती ना जय, तो क्या गलती है माँ उसकी? क्या गलती है? ये गलती है उसकी कि मैंने उससे प्यार किया। मैंने तो उससे इसलिए शादी की थी ताकि उसे सेफ रख सकूं, सपोर्ट कर सकूं, और देखिए मैं ही उस पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। इनफैक्ट जिस आदमी से वो दूर भागती रही, मैंने उसी के पास उसको भेज दिया नौकरी करने के लिए। कैसा आदमी हूं मैं? शायद सच यही है माँ कि रेयांश मुझसे बेटर बिजनेसमैन है, इसीलिए उसका फायदा रेयांश को हो रहा है और नुकसान आराधना भर रही है। थैंक गॉड नहीं, थैंक मी, मैंने बचाया तुम्हें, वरना आज तो बस हो ही गया था। थैंक यू, तुमने बचाया? खतरे में भी तुमने ही डाला था रेयांश। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ। और बोला किसने था? तुमने ना कि गाड़ी तेज चलाओ। एक्चुअली आई एम अ परफेक्शनिस्ट। बिजनेस हो या गाड़ी, कब रफ्तार बढ़ानी है और कब थमनी है ये मुझे पता। सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। क्वालिटी है, इसीलिए ऑब्सेस्ड हूँ खुद से और तुमसे। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अगर कैब मिल जाती तो ये सब नहीं होता। एंड प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स रेयांश। एक्सक्यूज मी। लिमिट्स क्या होता है? रेयांश मैं जानती हूँ तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। एक्सक्यूज मी। एक तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ इतनी सेफली, आधी रात को कुछ कैब्स वैब्स भी मिलती है। और यार जब भी मेट में वो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा था कि एक लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। ओह प्लीज, हाथ तो लगा के दिखाओ तुम। सोच लो, लगा दो। एक्स हूँ, लगा सकता हूँ, और प्यार तो अभी भी है। मुँह तोड़ दूंगी तुम्हारा रेयांश। अच्छा तोड़ो। पागल हो गए क्या? पीछे हटो और जल्दी घर ड्रॉप करो मुझे, लेट हो रहा है। वैसे मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। मेरा तुम्हारे साथ कोई अफसाना नहीं बनने वाला रेयांश, अब सिर्फ जंग है हमारी। और मेरी शादी हो चुकी है रेयांश। शादी में क्या रखा है, प्यार में मजा है। इंडिया में वैसे भी आधी पॉपुलेशन जिससे शादी करती है उससे प्यार तो करती नहीं है। मगर मैं, मगर क्या तुम जैसे प्यार करती हो? तुम्हें उससे क्या? मैं तुम्हें सफाई क्यों? रेयांश बहुत लेट हो चुका है, मुझे प्लीज घर चलो जल्दी। वो तुमसे बेहतर नहीं है जय, ऐसा फिर से कभी मत बोलना। हाँ ये बात सच है कि तुमने इस बार फैसला दिल से लिया है, दिमाग से नहीं। प्यार और दोस्ती के चक्कर में तुमने बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिया, और तुम ये भी भूल गए कि वो रेयांश उस कादंबरी का बेटा है। वो कादंबरी जो अपने पति की, अपने बेटे की कभी नहीं हो पाई, उसका बेटा क्या ही किसी का सगा होगा। उनको बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है माँ, और सच को वैसे भी अपने हिसाब से मोल्ड तो नहीं कर सकते ना। और सच यही है कि रेयांश ने मुझे चैलेंज किया और मैं हार गया। प्लीज ऐसे मत बोल। क्यों माँ? फेलियर तो एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी पे थोपना थोड़ी चाहिए। अब देखिए अमेरिका में, लंदन में डैड ने हर जगह इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया, और जब मैंने अपने बलबूते पे कुछ करना चाहा तो मैं हार गया। खैर माँ, लंदन में आपके पास सब कुछ है, धन दौलत जायदाद इज्जत। माँ मुझे लगता है आपको लंदन वापस चले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो, और मैं तो लंदन जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। लेकिन माँ अगर मेरे पास पासपोर्ट होता भी तो भी मैं नहीं जाता, क्योंकि ये जो अपने परिवार की इज्जत मैंने डुबाई है, मुझे उसे ठीक करना है। वापस वही इज्जत और वही पैसा कमाना है। मुझे लगा हम तुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाएंगे। बेटा हम फैमिली है, हम साथ में लड़ेंगे। और इस लड़ाई में हमारे साथ देगी बानी। यस सर, आज आपका मैम के साथ कोई झगड़ा हुआ है ना? आज आप मैम के साथ शॉपिंग करने के लिए गए होंगे और उनको कोई चीज पसंद आ गई होगी, पर आपने उनको दिलाया नहीं, इसलिए अभी आपसे वो गुस्सा है। नन्ही सी जान होता दिमाग। अरे सर, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं हर रोज पति पत्नियों को लड़ते हुए देखता हूँ। पत्नी? नहीं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, इतने बुरे दिन नहीं है मेरे। एक्सक्यूज मी, बहुत किस्मत वालों को मिलता है रेयांश लामा जैसे लौंडे। तभी तो किसी को मिले नहीं हो। अरे आप दोनों लड़िए मत, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, घर जाइए, चाय पीजिए, ठंड रखिए, लड़िए मत। और सर, मैम जो बोल रही हैं, आप उनको वो दिला दीजिए, लड़ाई खत्म। यार ये कहते हो पूरी दुनिया ला दूं उसके लिए। मेरी शादी ना किसी और के साथ हो चुकी। ओह, इसका मतलब आपका इनके साथ कोई चक्कर चल रहा है। नहीं, ये मेरे सिर्फ बॉस है। और वो एक्स जो अभी भी। तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ पे? घर क्यों नहीं गए अपने? मैं ये बेच रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, माँ के लिए घर पे खाना लेके जाऊंगा। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम। यस मैम, इंसान के ऊपर जब पैसे की जिम्मेदारी आती है तो वो बड़ा हो ही जाता है। सही बात है। माँ के लिए खाना ले लेना। मैम ये आपके लिए। थैंक यू। और सर ये आपके लिए। क्यों? मैं कोई सौदा मुफ्त में नहीं करता। बहुत आगे जाओगे तुम। बाय बाय। अब मैं सीधा घर जाऊंगी। अब एक ज़ूम कॉल बाकी है, फिर जाएंगे। एज प्रोफेशनल हाँ जय। क्या हुआ? तुम तो घर आने वाली थी ना? हाँ जय, वो भी अर्जेंटली एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं वो जल्दी से खत्म करके घर आती हूँ, मैं घर आके बताती हूँ तुम्हें। पहले मीटिंग कर ले। रेयांश अभी तुम्हारे साथ है? जय वो बारिश हो रही थी तो रेयांश मुझे घर तक ड्रॉप। हेलो आई एम सॉरी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, फिर हम साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। अरे क्या कर रही हो, ज्वाइन करो जल्दी यार, क्लाइंट्स आर वेटिंग। मैं अपने फोन से ज्वाइन करूंगी। एज यू विश। रुकिए सर, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते सर। अबे मेरी वाइफ अंदर काम करती है, हट साइड। सर अंदर कोई भी नहीं है सर। मैंने बोला ना हट। हटिए सर, कार आ रही है साहब की। जय, तुम यहाँ सब ठीक है ना? आराधना, मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। जय वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मैं वो खत्म करके जल्दी से आती हूँ। और आप इनको अंदर जाने दीजिए, तुम रिसेप्शन पे वेट करो, मैं आती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम ये मीटिंग कल कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, सो इफ यू गाइज डोंट माइंड। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हो गया? घबरा गई? मेरे साथ और तुम्हारे सामने हस्बैंड आ गया। इनसिक्योरिटी भी ना बहुत कमाल की चीज़ होती है, इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता। क्या हो गया? तुम्हारा हस्बैंड बहुत विश्वास की बात कर रहा था, एक शाम अपनी बीवी को उसके बॉस के साथ बिताने नहीं दे सकता। इनसिक्योरिटी होगी। अपने प्यार पे विश्वास नहीं है या फिर मेरे प्यार पे ज़्यादा विश्वास है? ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना रेयांश, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसे याद रखना। क्यों? बुरा लग रहा है? एक बात बताओ, अब तक जैसे प्यार नहीं हुआ? क्या घर जमाई बन के बैठा रहता है? कुछ काम धंधा तो है नहीं। उसको बोलो यही ज्वाइन कर ले, तुम्हें पिकअप कर लेगा, तुम्हें ड्रॉप कर लेगा, तुम्हें खाना खिला देगा। सबसे बड़ी बात, नजर रखेगा कहीं उसकी बीवी और उसके बॉस का चक्कर तो नहीं चल रहा। वो मेरी है, मेरी सिर्फ मेरी, समझ में आ गया? मैं इसे कहीं लेके जाने नहीं दूंगा। बॉन्ड साइन करवाया तुमने रेयांश, बंधुआ मजदूर नहीं हूं मैं तुम्हारी। कुछ नहीं, मेरा काम हो गया। आलसी। एक्सक्यूज मी? तुमने झूठ बोला मुझसे आराधना। हाँ? तुमने तो कहा था हमारे बीच में कुछ नहीं छुपा रहेगा, तो क्या है ये सब? तुमने कहा था मैं स्टोरी कवर करने जा रही हूँ, ये तुम्हारी स्टोरी। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था आराधना, और तुमने उस ट्रस्ट को तोड़ा है। ऐसे क्या होगा? ऐसे तो हमारे रिलेशनशिप के बीच में डिस्टेंसेस आ जाएंगे ना आराधना। जय तमीज से बात कर आराधना से। तू आराधना से ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हो गया? इतने से क्राइसिस में बीवी पे शक करने लग गया तू? रेयांश प्लीज तुम बीच में मत बोलो, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। अब तू बताएगा मुझे ट्रस्ट क्या होता है? हाँ? रुक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.